तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज यहाँ यहाँ जबलपुर कचनार सिटी, तो यहाँ पे है जटा संकरा, देख सकते हैं। और हम लोग हैं, ये हमारे दोस्त लोग मिल गए हैं, ये सिंगरौली से हैं, सिंगरौली से हैं। और ये सभी लोग हैं, तो आज इंजॉय कर रहे हैं जबलपुर का नज़ारा, देख सकते हैं यहाँ कचनार सिटी का काफ़ी बेहतर, हम आपको पूरा दिखाएंगे वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेन गेट, यहाँ से एंट्री करते हैं। और ये शाम का नज़ारा है काफ़ी बेहतर, और ये कचनार सिटी का एरिया है जबलपुर का। तो यहाँ पे है एंट्री गेट, यहाँ पे जूता चप्पल उतारते हैं और अपना पैर धुलते हैं अंदर जाने के लिए। तो हम दिखाते हैं यहाँ का भव्य नज़ारा भोले जी का। आपको बता दें कि यहाँ कचनार सिटी में है जो भोलेनाथ दिख रहे हैं, इनकी प्रतिमा 72 फीट लगभग बताई जा रही है। और यह क्षेत्र लगभग 4 से 5 एकड़ में फैला हुआ है और काफ़ी सबसे बड़ा प्रतिमा है जबलपुर एरिया में। तो ये शाम का नज़ारा है और हम आए थे घूमने के लिए, और ये रहे भोले जी, इनका नज़ारा देख सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं अंदर, यहाँ पे गुफा है एक, वहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है, सभी जगह जितने भी इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ स्थापित की गई है, उनकी दर्शन करेंगे। और आपको बता दें कि यह शाम का नज़ारा है, काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं कचनार सिटी पर, तो एक एक से ज्योतिर्लिंग दिखाने की कोशिश करेंगे। जबकि यहाँ हमारा टाइम हो गया था इसलिए हम बहुत जल्दी में थे। ये सोमनाथ जी का प्रतिमा है और काफ़ी बेहतर, यहाँ सभी ज्योतिर्लिंग हैं। और हमारे मित्रगण सभी दर्शन करते हुए काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर आप जबलपुर आए हैं तो एक बार यहाँ अवश्य आइए देखने के लिए। यह लगभग जबलपुर सिटी में पड़ता है, रेलवे स्टेशन से 8 से 10 किलोमीटर के दूरी पर स्थापित है। और हमारे मित्र काफी खुश, तो हम यहाँ का नज़ारा देखें और सेल्फी के लिए। इसके बाद हम आप जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारा टाइम हो गया, धन्यवाद, क्योंकि टाइम हो गया है ट्रेन का।